हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन परचेस करने वाले हो तो मैं आपको जरूर से ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला वीडियो आखिर तक देख लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक बेसिक स्टेप्स रहता है जब आप किसी डोमेन को बाय करते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और कौन से प्लेटफॉर्म से आप बेस्ट चीपेस्ट प्राइस में डोमेन बाय कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जब हम किसी डोमेन को परचेस करते हैं तब हमको कौन कौन से चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, और सेकंड हम कहां से डोमेन को परचेस करें जहां पर हम लोग को डोमेन सस्ता भी पड़े और जो प्लेटफॉर्म अच्छा भी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक डोमेन को बाय करना है और मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप डोमेन को बाय करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब दो प्लेटफॉर्म को ही अपने चॉइस पर रखूँगा, एक है नेमचीक और दूसरा है गोडैडी। मैं बाकी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो टॉप पॉपुलर जो दोनों डोमेन बाय करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, एक है गोडैडी और दूसरा है नेमचीक। आप गूगल से भी बाय कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जब आप किसी गूगल एनालिटिक्स या फिर जितने सारे जो एनालिटिकल टूल्स है, एडसेंस वगैरह हो गया, सब कुछ वो सब गूगल के अंडर ही आती है। ठीक है, तो अगर आप गूगल डोमेन से अपना डोमेन को बाय करते हो तब आप उन सभी चीज़ों में बस एक क्लिक में ही उन सभी का कोड आप अपने डोमेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जो फीचर्स आपको गूगल डोमेन के अलावा और किसी भी दूसरे डोमेन पर नहीं दिखने को मिलेगा, मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको मैनुअली कोड को अपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना पड़ता है, और जितने सारे जो ब्लॉगर रहता है वो ज़्यादातर गूगल डोमेन इस्तेमाल नहीं करता है, वो या तो नेमचीप या तो गोडैडी, इन दोनों से ही अपना डोमेन को परचेस करता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इन दोनों का वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ गोडैडी, ओके सॉरी, तो यहाँ पर आ चुका है गोडैडी। यहाँ पर मैंने वाई लिखना भूल गया था, ठीक है, तो मैं गोडैडी लिख देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके सामने जो वेबसाइट आएगा गोडैडी का, godaddy.com, तो मैं इस ओपन को ओपन कर लेता हूँ और इसके बगल पे मैं नेमचीप का वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, NAME, तो यहाँ पर यह आ गया है नेमचीप। तो ये दोनों बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक फंडा है कि कोई बोलेगा कि इसमें सस्ता है, कोई बोलेगा कि इसमें सस्ता है, तो मैं आपको एकदम एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करेंसी कन्वर्टर का भी एक यहाँ पर साइट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो करेंसी कन्वर्टर, तो यहाँ पर हम लोग डॉलर से इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे कुछ चीज़ें। ओके, तो हम अब यहाँ पर जब हम किसी डोमेन को बाय करने जा रहे हैं तब हम लोग को कौन कौन से चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कौन से प्लेटफॉर्म से अपने डोमेन को खरीदें, दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने डोमेन नेम को कौन सा सिलेक्ट करें। तो मैं आपको तो यही बोलूँगा कि ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, आप अगर किसी ब्रांड खोल रहे हो तो और .com डोमेन इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अगर आप इंडिया से अपना साइट को बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप .in डोमेन ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत रैंकिंग का मैटर करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो होता है आपकी कंटेंट। अगर आप .in डोमेन में भी आपका बढ़िया वाला कंटेंट लिखते हो तब वो .com या फिर दूसरे डोमेन से ऊपर रैंक करेगा। आपको गूगल पे इसका भरा भरा एग्जांपल पड़ा मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और मैं आपको खुद अपने जो एक्सपीरियंस है ब्लॉगिंग जानने का, मैं वहाँ से भी आपको कह रहा हूँ कि जब कॉन्टेंट अच्छा रहती है तब तो भाई blogspot.com का डोमेन भी रैंक कर जाती है। ठीक है, और मैं आपको बाद में जाकर इसका एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो केस है, मैं यहाँ पर एक .in डोमेन को बाय करूँगा। तो अब मैं जानूँगा कि दोनों जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कौन प्लेटफॉर्म में क्या प्राइस मांग रही है, और जो बेस्ट प्राइस देगा और जिसका कंडीशंस वगैरह अच्छा रहेगा हम लोग वहाँ से इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं। जो मेरा डोमेन का नाम होगा वो होगा बेंगल ब्लॉगर, ओके। सो मैं ये पास यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ, तो मैं उसको ही पेस्ट कर दूँ, नहीं तो बाद में जाकर कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर्च डोमेन, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर .com अवेलेबल है, लेकिन मुझे .in चाहिए, तो मैं यहाँ पर .in लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया है, 99 rupees इसका प्राइस आएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम चीज़ को मैं नेमचीप के अंदर पेस्ट करके देखता हूँ कि ये क्या बोलते, कितना प्राइस आएगा। तो ये अभी ओपन हो रहा है, जैसे कि ये बता रही है कि आपको
$6.96 पड़ेगा, जो कि अराउंड $7 के आसपास है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे फर्स्ट ईयर पे $7 मांग रही है, ठीक है। यहाँ पर गो डेडी हम लोग से फर्स्ट ईयर पे ₹99 लेगा, ये करीब करीब 70+30 करीब करीब $1.5 के आसपास होगा, ठीक है। तो या फिर उससे भी कम हो रही है, क्योंकि अभी डॉलर तो 73 रुपीज चल रही है। तो गोडेड डेफिनेटली नेमचिप से सस्ता पड़ रही है, गोडेडी में डोमेन लेना। अब बारी आते हैं रिन्यू करने में, ठीक है। तो गोडेडी अगर मैं गोडेडी से रिन्यू करता हूँ तो ये ₹600 लेगा, 599, तो ₹600 लेगा पर ईयर इसको रिन्यू करने में। और जो नेमचिप लेगा $12.71 पर ईयर, ठीक है। तो चलो इसको करेंसी कन्वर्टर में देखते हैं कि 12.70 कितना आता है, ठीक है। 12.71 था ना, 71, ओके। तो ये आ रही है करीब करीब 929 इंडियन रुपीस, ठीक है। तो ये करीब करीब 920 मतलब ₹930 आप बोल सकते हो इंडियन रुपीस में हम लोग को पर ईयर देना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली उसके साथ हम लोग को 18% जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया में एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेमचिप का जो ईयरली प्राइस है और नॉर्मल जो प्राइस है वो ज़्यादा है। लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको नेमचिप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी मिलता है यहाँ पर। अगर आप किसी डोमेन को बाई करते हो तो वहाँ पर आपको हुईस प्रोटेक्शन मतलब हर एक डोमेन के साथ ऑटोमेटिकली मिलता है। तो ऐसे कुछ एक दो चीज़ें आपको यहाँ पर डिफॉल्ट में देखने को मिलता है जो आपको गोडेडी पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन से मतलब है तो आप डेफिनेटली गोडेडी को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलता है। और जो चीज़ नेमचिप का सबसे ज़्यादा फेमस है कि नेमचिप अपना प्राइस को कभी चेंज नहीं करता। यहाँ पर अगर आप गोडेडी पे देखोगे तो कभी कभार ये फर्स्ट ईयर के लिए 99 लेता है, कभी कभार 150 लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। .com अभी चल रहा है मेरे ख्याल से 199 या फिर हाँ 199 चल रही है .com। मैंने जब खरीदा था तब ये 399 चल रहा था, ठीक है। तो ये फ्लैक्चुएट करता रहता है गोडेडी पे प्राइस, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। और जब आप रिन्यूअल प्राइस जो देखोगे वो मैंने तो देखा है कि लगभग सेम ही रहता है गोडेडी पे, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं कि नेमचिप पे ये एकदम फिक्स रहता है, और मैंने आज तक जब भी रिन्यू किया है मैंने देखा है नेमचिप में एकदम कॉन्स्टेंट रहती है। नेमचिप कभी भी मैंने देखा नहीं कि इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन हाँ गोडेडी का जो फर्स्ट ईयर का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। अभी 99 चल रहा है, आप कुछ देर बाद चेक करोगे तो ये 199 हो सकता है, ठीक है। तो गोडेडी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग को यहाँ पर सस्ता मिल रही तो हम लोग क्यों ना ले, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि डोमेन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो गोडेडी पे क्या होता है कि आप एक गोडेडी अकाउंट से दूसरे गोडेडी अकाउंट पर डोमेन को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि गोडेडी से बाकी जो अगर आप किसी दूसरे डोमेन पर जाओगे तो मेरे ख्याल से गोडेडी एक या दो साल का मतलब ले लेती है। मतलब आपको आप जब डोमेन खरीद रहे हो तब मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ एक या फिर दो साल आपको गोडेडी के अंदर अपना डोमेन को रखना पड़ता है। जहाँ पर मुझे लगता है कि नेमचिप में ऐसा कोई कंडीशन शायद नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ श्योर होकर बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि गोडेडी एक या दो साल तक आपको डोमेन को गोडेडी पर ही रखना पड़ेगा, उसके बाद आप डोमेन को चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ आप डेफिनेटली आप गोडेडी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने डोमेन को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो कि नेमचिप में भी बहुत आसान है, आप किसी डोमेन को किसी को बहुत ही आसानी से आप गिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि नेमचिप में आप कैसे डोमेन को बाई करते हो, वहाँ पर आपको कैसे डोमेन ट्रांसफ़र वगैरह करना पड़ता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। टेंशन करके कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अगर आपके पास अपना गोडेडी का अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अपना गोडेडी का अकाउंट बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक काम करूँगा, गोडेडी में साइन इन कर जाऊँगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर साइन इन कर जाता हूँ अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली यूज़र ने पासवर्ड ले लिया है, तो मैं यहाँ से साइन इन कर जाता हूँ। अगर आपके पास अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप डेफिनेटली गूगल या फिर फेसबुक से अपना लिए एक गोडेडी का अकाउंट बना सकते हो, ओके। तो अब हम लोग को इसको कार्ट पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गोडेडी से ही फाइनली अपना डोमेन को परचेस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि नेमचिप का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग इसीलिए गोडेडी से ही लेंगे। और अगर गोडेडी पे हम लोग का डोमेन 2-3 साल तक रहती है तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ही इसको ऐड कार्ट कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारे कार्ट पे चला जाएगा। तो ये बता रही है योर आइटम्स सब टोटल, सो ये 2 साल के लिए बता रही है, और हम भी 2 साल के लिए ही इस डोमेन को परचेस करने वाले हैं, क्योंकि 2 साल में हम लोग को ज़्यादा
मतलब बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो एक साल के लिए ये 400 and 449 बता रही है, तो इसलिए 2 साल में हम लोग को ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, सही है ना। तो इसलिए हम लोग 2 साल में इसको खरीदेंगे। और मेरे पास यहाँ पर एक कूपन कोड पड़ा हुआ था जो कि गोडरेज से मुझे मेल के थ्रू मिला था, तो मैं उस कूपन कोड को ओपन करूँगा यहाँ से। तो इस मेल को मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर होगा वो वाला मेल, जिसके आप देख पाओगे यहाँ पर मेरा एक 30% का कूपन है। तो अब यहाँ से मैं कंटिन्यू टू कार्ट में क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करते हैं यहाँ से कंटिन्यू टू कार्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर हम लोग का सफल थोड़ा इंक्रीज हो चुका है इस प्रमोशनल ईमेल की वजह से, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट, तो अब ये हट चुका है और हम लोग का 748 हम लोग का आ चुका है, और यहाँ से हम लोग इसका प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख पाओगे प्रोमो कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, लेकिन ठीक बात यह है कि हम लोग का यहाँ पर प्राइस घटा नहीं, प्राइस यहाँ से घटना चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ। तो मैं एक काम करूँगा जो कि गोडेडी का एक बहुत ही खास चीज़ है, आप यहाँ पर कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी वही काम करूँगा, कस्टमर केयर के साथ यहाँ पर बात करूँगा और देखूँगा कि वो लोग क्या रिप्लाई देता है। और गोडेडी का जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको इसके मतलब कस्टमर केयर के साथ थोड़ा बात कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, क्यों वो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर था वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैं इसको करता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास फिर वापस आता हूँ, वो बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो गाइस यहाँ पर जो दिक्कत हुआ ये कि मैंने यहाँ पर प्रोमो कोड को अप्लाई किया, लेकिन प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पर मेरा प्राइस घटा नहीं। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पर 37% का डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ था, और मेरा जो ये प्रोमो कोड था ये प्रोमो कोड मेरा 30% का था। तो क्योंकि 37% ज़्यादा है, इसलिए मेरा 30% का प्रोमो कोड यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, और इसी की रिगार्डिंग ये जो प्रोमो कोड है ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्यों ये प्रोमो कोड काम नहीं कर रहा था, और इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर इसके कस्टमर केयर से बातें किया। तो यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि मुझे 2 साल के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 882 का मुझे टोटल कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है, 882.64। तो अपने साथ यहाँ पर इतना कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा, तो मैं अब इसको थोड़ा क्लोज कर दूंगा और इस वाले विंडोज में यहाँ पर अपना जो परचेस है उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा, पहले तो इस प्रोमो कोड को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, और इसको रिफ्रेश होने देते हैं हम लोग। यहाँ पर चेकआउट सेक्शन पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो हाँ यहाँ पर मैंने अपना प्रोमो कोड को हटा दिया है, तो अब मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अपना कार्ड डिटेल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि गैस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये बता रही है कि जो सॉफ्टवेयर है ये 882 रुपीज़ का आ रही है, क्योंकि मैं 2 साल का एक ही बार में परचेस कर रहा हूँ। और ये सच में नेम चिप से बहुत ही ज़्यादा सस्ता आ रही है, क्योंकि नेम चिप का फर्स्ट ईयर तो है 7 7 डॉलर, तो मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया था। सेकेंड मतलब रिन्यूअल रिचार्ज आ रही है 930 रुपये करके, और जो फर्स्ट टाइम का रिचार्ज है वो आ रही है 512 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है, मतलब अच्छा ऑफर है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको परचेस कर रहा हूँ। कहाँ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीट परचेस को मैं क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली यहाँ से परचेस हो जाएगा इस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक से एक ओटीपी आएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, और जब आप सबमिट करके अपना पेमेंट को कंटिन्यू कर दोगे तब आपके पास आपका जो डोमेन था वो आ जाएगा। सो गाइस हम लोगों का डोमेन अभी कम्प्लीटली हम लोगों ने परचेस कर लिया है, तो मैं यहाँ पर फिर से इसको रिफ्रेश करके माई डोमेन पे आके आके आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा डोमेन था वो कहाँ पर गया है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ माई प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये डोमेन ऐड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर एक और नया डोमेन भी ऐड हो चुका है।
तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये तो जानने को मिल गया कि आप कैसे एक अपने लिए एक नया डोमेन को बाई कर सकते हो और आपको कहाँ से बहुत सस्ते प्राइस पे डोमेन मिलेगा, ये भी आपने जान लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही ब्लॉगिंग रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स आप लोगों के प्रोवाइड करते रहते हैं। उनके साथ साथ हम लोग टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सत्यमेव जयते।